वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज द थर्ड सेशन फॉर डिजाइन ऑफ सिटी। तो दोस्तों, हमने डीएमएस सब्जेक्ट में सिटी के डिजाइन के साथ शुरुआत की थी एंड अभी हम लोग थर्ड पार्ट में आए हैं, जहां पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर के लॉसेस को कंसिडर करना चाहेंगे, डिजाइन करना चाहेंगे। तो चलिए एक छोटा सा नोट करते हैं जो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली डिजाइन किया है। तो मेक अ टाइटल एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस, एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस। सबसे पहला नंबर वन, सक्शन साइड एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस। मैं भी लिखता हूं यहां पे, तो साइमल्टेनियसली काम होगा। एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस नंबर वन, सक्शन साइड। वी नो देयर आर टू पार्ट्स, एक सक्शन है, एक डिलीवरी है। तो वे सक्शन साइड के साथ स्टार्ट करते हैं एंड सक्शन का जो जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसे लिख के देते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी बोर्ड अलग किया है, तो प्रीवियस बोर्ड आपके पास नहीं होगा, तो बेटा आपके लिए में कुछ डाटा अवेलेबल करके देता हूँ, बाकी बच्चे भी देख के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। इट इज सक्शन हेड 3.5 मीटर, सेकंड लेंथ ऑफ सक्शन पाइप इट इज 8 मीटर, वेलोसिटी इन सक्शन पाइप एनीवन व्हाट वाज दैट आंसर 1.98 है ना बेटा, एंड थर्ड वन डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप 100 mm या व्हाट वी कैन से 0.1 मीटर। चलो तो ये सारे बातें आपके पास है कि नहीं चेक कीजिए एंड फिर इसे यूज करके हम लोग आगे के पार्ट में कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर, लॉसेस में जब आते हैं तो हम सभी ने पढ़ा है देयर आर टू टाइप ऑफ लॉसेस इन द पंप। एक होता है माइनर लॉस एंड दूसरा होता है मेजर लॉस। तो माइनर लॉस एंड मेजर लॉस में अगर हमें बात करना है तो सबसे पहले वी शुड नो द फॉर्मूलाज फॉर द लॉसेस। तो पहला लॉस कंसिडर करते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक हेड। तो काइनेटिक हेड लॉस कंसिडर किया जाएगा। What is the symbolical representation of kinetic head loss? HKE. लेकिन किसके लिए है? सक्शन पाइप के लिए है एंड इसका फॉर्मूला होता है V² / 2G। लेकिन ये V किसका होगा? VS² / 2G, बिकॉज अभी हमने लॉस ऑफ काइनेटिक हेड सक्शन पाइप के लिया है, तो वेलोसिटी भी सक्शन पाइप के लिए काम करेगी। आर यू गेटिंग द फॉर्मूला? तो चलिए ऊपर से वैल्यू यूज करके यहाँ पे पुट करते हैं। 1.98 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 एंड HKE फॉर सक्शन पाइप हमें मिलेगा। तमाम दोस्तों एनीवन, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन के साथ सारे बच्चों को ध्यान देना पड़ता है। चलिए सर, तो बेटा आप फटाफट कैलकुलेट कीजिए, बाद में फोटो लेके काम हो सकता है आपका। 0.19, 0.19, 1 डबल। तो यूनिट में भी ऑब्वियसली मीटर। सर अभी चलते हैं सेकंड, जो हम सभी ने पढ़ा था डार्सीज इक्वेशन। याद है सारे बच्चों को डार्सीज इक्वेशन? लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। Yes, anyone? HF. ठीक है ना, अभी HF को क्या देते हैं? HFS. S समझ में आया ना सारे बच्चों को? FLV² / 2GD. देखिए दोस्तों, what is the formula? Darcy's equation. HF is 4FLV² / 2GD. लेकिन अभी मैंने उसको S दिया, समझ में आया S क्यों? सक्शन पाइप के लिए। तो बेटा ये FB किसका आएगा? सक्शन पाइप का। LB सक्शन पाइप का, BB सक्शन का एंड DB सक्शन का। तो समझ में आया? ये सेम बातें अभी हम लोग बाद में रिपीट करेंगे डिलीवरी पाइप के साथ। तो चलिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है, फोर्थ नंबर पता है, SS क्या है? तो F का नाम है, लिख के रखिए, मेक अ नोट ऑफ इट। F इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन द पाइप। व्हाट इज इट? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन द पाइप। और अगर आपके पास पाइप कैसा है
मतलब नया है कि पुराना है, वैसे न्यू एंड ओल्ड पाइप, ओल्ड मतलब यूज पाइप, तो इसके दोनों के लिए एफ का एक रेंज है। पहले का रेंज है 0.001 टू 0.002, ये एफ का भी रेंज है 0.003 टू 0.006। तो कभी ना कभी पाइप आपका जिंदगी भर क्या नया रहेगा, नहीं सर वो ओल्ड तो होने वाला है, तो ओल्ड होने के बाद यू कैन सी उसमें ज्यादा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, तो हम लोग ओल्ड पाइप कंसिडर करके डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे, अज्यूम फॉर ओल्ड पाइप या यूज पाइप, अज्यूम फॉर यूज पाइप या ओल्ड पाइप द वैल्यू ऑफ एफ ना 3 ना 6, 0.04 ले सकते हैं आप, कोई 5 पे भी जा सकता है, सेंटर वैल्यू यूज कर सकता है, कोई लॉजिक नहीं। 0.04 अभी चेक कीजिए, 0.04 पता है, एलएस पता है, समझा नहीं डाटा मैंने क्यों लिख के निकाला, आपको नीचे सॉल्व करने में आसानी होता है। वीएस है, जी माइते है, डीएस माइते, पुट द वैल्यूज गेट बी द आंसर ऑफ एच एफ एस। कमान दोस्तों, इट इज 4 × 0.004 इंटू एल एस इज 8 इंटू वी एस इज 1.98 प्लस स्क्वायर 4 × 9.81 इंटू डी एस इज 0.1 एंड व्हाट वी कैन से वी हैव गॉट द आंसर ऑफ एच एफ। जीरो पॉइंट टू फाइव फाइव एट, वेरी गुड, 0.2558, तो व्हाट वी कैन से 0.256 तीन डिजिट लिखना है तो वहां पे ले सकते हैं। चल तो ये काइनेटिक हेड लॉस हुआ, ये फ्रिक्शन में हेड लॉस हुआ, अभी कुछ माइनर लॉसेस होते हैं, कौन से लॉसेस होते हैं, माइनर लॉसेस, एंड माइनर लॉसेस में सबसे पहले आता है लॉस ऑफ हेड इन वॉल्व, तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वॉल्व है वहां पे लॉस ऑफ हेड होगा, एंड फिर वो एच ऑफ वी इज कंसिडर्ड एज 20% ऑफ नंबर ऑफ वॉल्व। अभी तो अपने पास एक ही है, तो ये 20% ऑफ 1 आएगा, तो एच वी मिलेगा 0.3। नेक्स्ट आएगा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड, एंड लॉस ऑफ हेड एच बी इज जनरली कंसिडर्ड एज 10% ऑफ नंबर ऑफ बेंड्स। तो जनरली एक ही बेंड अवेलेबल होता है, तो एच बी होगा 10% ऑफ 1, तो एच बी 1। तो एक दो माइनर लॉसेस एंड दो बाकी के लॉसेस। अभी फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये सब हमने क्यों कैलकुलेट किया, तो बेटा ये सब हमने इसलिए किया कि वी वांट द एच मैनोमेट्रिक, मैनोमेट्रिक हेड हमें चाहिए, सो दैट हम लोग आगे जा पाएंगे, एंड टू गेट दैट मैनोमेट्रिक हेड व्हाट वी कैन से यहां पे लिख सकते हैं हम लोग टोटल मैनोमेट्रिक हेड ये कहां पे आएगा, एच एम है, लेकिन एच एम कहां पे है बेटा, सक्शन में है। श्योर, तो जब बेटा एच एम सक्शन में होता है तो हमें अलग अलग पैरामीटर कंसिडर करने पड़ते हैं, तो सबसे पहला पैरामीटर आएगा लॉस ऑफ हेड एट सक्शन पाइप दैट इज एच एस, फिर हमने ढूंढा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एच के ई एट सक्शन साइड, फिर हमने कैलकुलेट किया एच एफ एस को,
फिर हमने कैलकुलेट किया लॉस ऑफ हेड ड्यू टू वॉल एंड लास्ट वन वॉज बेंड, तो सबको ऐड करेंगे 3.5 प्लस 0.199 प्लस 0.256 प्लस 0.2 प्लस 0.1 एंड यहां से मिलेगा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू मैनोमीटर एंड आंसर इज द आंसर इज टोटल आंसर लॉस ऑफ हेड एट सेक्शन 5. Yes, I'm waiting for the part. The addition man, 3.5. Beta. Three point five plus point one nine, point two five six, point two plus point one, point two, point three, point three, point five, point seven, and point five, 12.2 के आसपास आएगा. This 4.255 meter. तो अभी क्या किया हमने सर, होप सो आपके लॉजिक 100% समझ में आया सारे बच्चों को. वी हैव डन अ कैलकुलेशन फॉर सक्शन साइड विद एचएस एलएस वीएस सीएस काइनेटिक हेड लॉस फ्रिक्शन वॉल वाला बेंड वाला एंड सबका टोटल. तो मम्मी को लड्डू आया. हाँ सर, अभी आगे का पार्ट समझ में आ रहा है और वी आर गोइंग टू मूव इनटू द पार्ट. सेकंड क्या आएगा बेटा यहाँ पे फॉर साइड. अभी सेम डाटा डिलीवरी का हम लोग कॉपी करके देते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो मैं वापिस सीखता हूँ, इसे नोट कीजिए. फर्स्ट वन एचडी हमें चाहिए, एचडी का वैल्यू गिवन है 10 मीटर, फिर एलडी इज गिवन है 60 मीटर, बीडी इज गिवन एज 2.98, सही है ना, वैल्यू चेक करो बेटा, एंड डायमीटर इज 80 mm. तो सेम टू सेम काम करना है, अभी कुछ भी चेंज नहीं करना है. पहला डाटा नोट किया, फिर काइनेटिक हेड, फिर ड्यू टू फ्रिक्शन. तो चलिए बातें कम, अभी फटाफट लिखने का काम स्टार्ट करते हैं. यहां से हमें एच मैनोमेट्रिक और डिलीवरी ढूंढना है. चलो स्टार्ट करते हैं फास्ट. सबसे पहले आएगा काइनेटिक हेड लॉस. अभी आएगा एच के डी. वो आएगा वीडी स्क्वायर बाय 2g. VD is our 2.98, the square by 2g. Anyone the answer for KD please? HKD. Come on, dosto. Comment me dalo. Reply karo, my phone karke bolo 0.45. So we have got the first part, kinetic head loss. Second aayega friction head loss. HFD सही है, वैल्यूज पुट करो. 4 into FD सेम लेंगे. ऑलरेडी 60 है, डायमीटर 80 है, वेलोसिटी 2.90. यहां से मीटर में पुट करना है. यहां से आंसर मिलेगा. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात. 5.431 meters. We are just following the sequence and moving in the part. Third one, loss of head involved.
It is HV. It is 0.2. सही है, डायरेक्ट लिख सकते अभी हम लोग यहाँ पे, एंड सेम 0.1. तो ये सेम बातें आएंगी लास्ट कैटेगरी भी, टोटल मैनोमेट्रिक हेड पे जाएंगे हम लोग. इसलिए थोड़ा गप कर देता हूं. एच मैन at D is same logic, HD plus HKD plus HFD plus HB and HV, सारी बातें सेम आएंगी. जैसे HV पहला, HB बाद, कैसे भी देखो कुछ कर. HD is 10 meter, HKE 0.45, anyone the final answer for the part? कितना? 16 point. चेक करो भाई, अपने मेरे बच्चा आंसर दे रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट अपनी बच्ची है तो सही होगा. 16.23 के 1. तो चेक करो भाई, 18123 इज द आंसर. एंड सबसे एंड में आएगा टोटल मैनोमेट्रिक हेड. टोटल मैनोमेट्रिक हेड इज एच मैन, इज एच मैन एट सक्शन प्लस एच मैन एट डिलीवरी. सिंपल लैंग्वेज में दोनों का एडिशन. प्लस 16.1 कितना मिला? 20.4 मीटर ऑफ वाटर. तो आज दोस्तों हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट एच ढूंढ के निकाला है. अभी इसका यूज करके हमें यहाँ पे कैविटेशन होता है कि नहीं होता है वो चेक करना है, एंड उसके साथ आगे का पार्ट करेंगे. लेकिन अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं, एंड चेक कीजिए अभी के पार्ट में हमने आज टोटल लॉसेस के लिए काम किया, फिर सक्शन पाइप पे काम किया, फिर डिलीवरी पाइप पे काम किया, फिर टोटल हेड को कैलकुलेट किया, एंड अभी चलेंगे एनपीएसएच के साथ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड टू चेक द वेपर प्रेशर. कहते हैं अगले पार्ट में. दोस्तों होप्स आपको यहाँ तक ये पूरा लॉजिक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे एंड पूरे के पूरे 15 से 20 मार्क लेके आएंगे. दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लास. मिलते हैं अगले सेशन में.